जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार उपायुक्त कार्यालय बचत भवन में जिला परिषद शिमला की साधारण बैठक का आयोजन किया गया। चंद्र प्रभा नेगी ने जिला परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव एवं प्रश्नों को निपटाने के लिए विभाग के विभाग अध्यक्षों से तुरंत कार्यवाही करने एवं उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों द्वारा समय समय पर अपनी मांगों से अवगत करवाया जाता है और सभी विभाग कार्यों को पूर्ण करने के लिए संबंधित जिला परिषद सदस्यों के साथ समन्वय बांधकर कार्यों को तेजी से पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करे, ताकि पंचायत एवं ग्रामीण स्तरों पर रह रहे लोगों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में 5 नए प्रस्ताव को भी रखा गया, जिसमें सदस्य सुभाष कैंथला ने सैंज में NH5 सैंज पर व भुट्टी पंचायत के बड़ा गांव में वर्षा शालिका का निर्माण, SJVNL के द्वारा CSR के माध्यम से विकासखंड नारकंडा में सार्वजनिक स्थानों पर बेंच लगवाने तथा नारकंडा में पर्यटन विभाग द्वारा स्कीइंग गाइड कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव रखे गए। वहीं सदस्य अनिल काल्टा द्वारा जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की सभी सड़कों पर साइन बोर्ड तथा ड्रग्स के संबंध में प्रस्ताव रखे गए। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा कि हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है, ताकि आम जन मानस को इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। बैठक में उपाध्यक्ष जिला परिषद सुरेंद्र रेटका, जिला परिषद के अन्य सदस्यगण, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह, कार्यकारी जिला पंचायत अधिकारी संजय भगवती, विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं जैसे PWD विभाग से कई एक्सिन कभी हमारी मीटिंग अटेंड नहीं करते, वो मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं समझते, तो इस विभाग में मेन मुद्दा ये था कि रामपुर के PWD विभाग के एक्सिन और रोडू के PWD विभाग के एक्सिन और चौपाल से PWD विभाग के एक्सिन और IPH और फॉरेस्ट के कई अधिकारी नदारद थे, तो हमने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे अफसरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि क्योंकि 3 महीने के बाद मीटिंग होती है हमारी, ये मजाक नहीं है, ये सारी इलेक्टेड बॉडी आती है जिनके अंडर 25-25, 30-30 पंचायतें आती है, हमको वहाँ पे लोगों को जवाब देने होते हैं, हम क्या जवाब देंगे। इसलिए लोग यहाँ पे 3 महीने के बाद मीटिंग रखते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्या हमारी यहीं पे सुलझ जाए, लेकिन कुछ एक अधिकारियों ने ये मजाक बना के रखा है, जिला परिषद का मजाक बना के रखा है। उनको ये पता नहीं है कि ये जिला परिषद जो है पंचायती राज की सबसे अहम कड़ी है, सबसे ऊपर की कड़ी है। यहाँ के लोग जो है आधी आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मालिक होते हैं, तो उनके जवाब देना, उनको हमेशा जवाब देने चाहिए, क्योंकि उनको हमारे लोगों को भी जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनको भी अपनी पब्लिक को जवाब देने होते हैं, और जो छोटे मोटे कार्य होते हैं अगर सारे अधिकारी यहाँ पे हो तो एकदम से सुलझ जाते हैं। सड़कों का मुद्दा था और हमारे खाली संस्थान है, जैसे आपकी डिस्पेंसरियाँ खाली है, आयुर्वेदिक संस्थान खाली है, आपके हर क्षेत्र में स्कूल खाली है, बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन का मसला रहता है। आज एलिमेंट्री वाले इसमें भी नदारद थे, नहीं आ रही है जो हमको स्टेट बजट है, जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें हमारे पिछली जिला परिषद को स्टेट बजट मुहैया करवाया था, जिससे हमें आसानी होती 30 पंचायतों को कवर अप करने के लिए, तो वो इन्होंने हमारी निधि काट लिया। हमारी स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि हमें जो है स्टेट निधि दी जाए। सिटी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे जिला परिषद मेंबरों ने उनका धन्यवाद किया है। जो हमारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको हम अच्छा प्रोत्साहित करते हैं।